अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। बच्चों अब आप अपनी उर्दू किताब खोलेंगे सफा नंबर 28 पे, यानी पेज नंबर 28। ओके, अपने अपने बुक का पेज नंबर 28 खोलो। वहां पे आप क्यों कौन सा अनवान देखेंगे? तशदीद की अलामत, तशदीद की अलामत। तशदीद किसको बोलते हैं? ये जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ना, वो डब्ल्यू जैसी शक्ल, डब्ल्यू है ना, तो जो ये डब्ल्यू जैसी शक्ल होती है इसको हम बोलते हैं उर्दू में तशदीद। क्या बोलते हैं? तशदीद। और ये तशदीद जो है ये सिर्फ उर्दू में इस्तेमाल होता है, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो तशदीद कब हम इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, आज मैं आपको यही समझाऊंगी। देखो बेटा, तशदीद हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब किसी लफ्ज में कोई हरफ दो बार पढ़ा जाता है तो हम उस हरफ को दो बार लिखने के बजाय उस हरफ के ऊपर तशदीद लगाते हैं और एक ही बार लिखते हैं। आई बात समझ में? जब किसी लफ्ज में किसी हरफ की आवाज दो बार आती है, लेकिन जब हम उस लफ्ज को लिखते हैं तब हम उस हरफ को दो बार नहीं लिखते हैं, बल्कि एक ही बार लिखकर उस पर तशदीद डालते हैं। तशदीद डालने का मतलब होता है कि हमें इसको दो बार पढ़ना है, ठीक है, उसकी आवाज दो बार आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है लड्डू, लॉम डॉल डॉल वाव लड्डू लड्डू, तो आवाज क्या आती है? लड लड, फिर है डू, ठीक है, लड डू। लेकिन हम मत लिखेंगे ऐसी, लड डू यानी डॉल डॉल की आवाज दो बार आएगी, एक तो लॉम के साथ लड, फिर डू वाव के साथ डू, लड डू। लेकिन जब ये ऐसे तो नहीं लिखेंगे हम, असल में कैसे ही लिखते हैं लड्डू? लड इसके ऊपर डालते हैं तशदीद। इसका मतलब तशदीद डालने का मतलब है कि ये डॉल जो है ये दो बार पढ़ना है, एक तो लाम के साथ इसकी आवाज आनी चाहिए और फिर वाव के साथ इसकी आवाज को जोड़ना है, लड्डू लड्डू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बे लाम लाम ये बिल्ली, बिल्ली यानी कैट, बिल्ली जब हम पढ़ते हैं तो एक कैसी आवाज आती है? दो बार लाम की दो बार आवाज आती है, बिल, एक तो लाम के बे के साथ मिलती है इसकी आवाज बिल, फिर ली लाम ई, छोटी छोटी ये की आवाज क्या है? ई की, बिल ली बिल ली। लेकिन हम ऐसे मत लिखेंगे दो बार, इसको लाम 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 को मत दो बार लिखेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला जब किसी लफ्ज में किसी हरफ की आवाज दो बार आती है तो हम उसको दो बार नहीं लिखते हैं, बल्कि एक ही बार लिखते हैं और उसके ऊपर तशदीद डालते हैं, बिल्ली, ये वाला लाम बे और ये वाला लाम ये मिलाते, ये वाला लाम नहीं, इसके ऊपर लाम के ऊपर डालेंगे तशदीद। जब तशदीद आएगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि लाम को दो बार पढ़ना है, एक तो बे के साथ फिर छोटी ये के साथ, बिल्ली, ठीक है। आप देखो कुत्ता, कुत्ता यानी डॉग, कुत्ता, ते ते दो बार आया है तो कुत, एक तो ते की आवाज कीप के साथ आती है, कुत्ता, फिर ते लिफ्ता, कुत्ता कुत्ता। लेकिन हम ऐसे मत लिखते हैं कुत्ता, तो इसके बजाय हम कैसे लिखते हैं? ऐसे कुत ता, यानी ये वाला ते नहीं लिखते, ये वाला कीप के साथ ये वाला ते लिखता मिलाते। जरा किसके ऊपर अब आएगा तशदीद? ते के ऊपर, क्योंकि ते ही दो बार आता है, जो हरफ दो बार आता है उसी के ऊपर हम लिखते हैं ये तशदीद, लेकिन लिखते हैं फिर एक ही बार, ठीक है, कुत्ता।
आवाज तो आएगी दो बार, लेकिन लिखते समय एक ही बार आएगा, ऊपर तशदीद डालनी है, ठीक है। कुत्ता कुत्ता, तो ये है तशदीद की अलामत। तशदीद हरफ के ऊपर लगता है और उस हरफ के ऊपर लगता है जिस हरफ की आवाज दो बार आती है किसी लफ्ज में, ठीक है। जैसे कि लड्डू, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं लड्डू। बिल्ली बिल्ली, यानी लाम दो बार, तो लाम के ऊपर तशदीद, बिल्ली, ऐसे लिखते हैं। कुत्ता, ऐसे तो नहीं लिखते, कुत्ता, ऐसे लिखते कुत्ता, ठीक है। नाउ अब हम किताब को पढ़ेंगे, किताब को देखेंगे। ये है सफा नंबर 28, है ना, 28। देखो लड्डू तो खाते होंगे, ठीक है, लड्डू मीठा होता है। लड्डू, ऐसे लिखते हैं। सच्चा सच्चा सच्चा, यानी चीम सीन के साथ भी आता है, चीम की आवाज सीन के साथ भी है और चीम के साथ चीम की आवाज अलिफ के साथ भी है। सच्चा, इसका मतलब चीम के ऊपर तशदीद लगी है। सच्चा मीन्स ट्रूथफुल, है ना, जो कभी झूठ ना बोलता हो। बिल्ली, ये है बिल्ली, ऐसे तो नहीं लिखते, ऐसे लिखते है लाम के ऊपर तशदीद, बिल्ली। रस्सी, रोप, रस्सी बोलते ना, रोप को, रस्सी को, या तुम्हारा इसका पर राज, रस्सी रस्सी, यानी सीन की आवाज दो बार आती है तो सीन के ऊपर हम डालते हैं तशदीद, ऐसे लिखते हैं रस्सी। कुत्ता, है ना, कुत्ता कैसे लिखेंगे, जो अभी मैंने दिखाया ऐसे, कुत्ता। दिल्ली 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 दिल्ली, है ना, दिल्ली किसको बोलते हैं, दिल्ली को, जाते हैं ना जो जम्मू के बाद आते, दिल्ली दिल्ली। तो ये क्या है, दिल्ली, दिल्ली किसकी कैपिटल है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली दिल्ली, जो दिल्ली है वो राजधानी है हिंदुस्तान की, दिल्ली। नाउ चलिए अब हम फिर से इसकी रीडिंग करते हैं। लड्डू, सच्चा, बिल्ली, रस्सी, कुत्ता, दिल्ली, ये था आज का हमारा अनुमान। अब आप क्या करेंगे, इसकी जुबानदानी करेंगे, यानी पढ़ने की मशक करेंगे और याद भी रखेंगे कि तशदीद कब आता है और किसके ऊपर आता है, ठीक है। चलो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई भी खूब करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज।